संजय कुलकर्णी साहब, अभी तक चीन की जो एलएसी पर स्थिति है, क्योंकि पैंगोंग इलाके में तो डिसएंगेजमेंट हो गया, लेकिन तमाम वो इलाके जो खासे अहम हैं उनमें आप डेपसांग का जिक्र कर लीजिए, गोगरा का, हॉट स्प्रिंग का, वहां पर अभी तक डिसएंगेजमेंट मुमकिन नहीं हो पाया है। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। खास तौर पर इसे लेकर क्या स्ट्रेटजी इस वक्त बननी चाहिए, क्या किए जाने की फौरन जरूरत है? समीर, चीन के ऊपर लगातार दबाव रखना बहुत जरूरी है। बातचीत का जो सिलसिला है वो चलता रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, पर दबाव बनाए रखना चाहिए। हम लोगों को सतर्कता में कोई कमी पेशी नहीं आनी चाहिए। चीन जो है अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, वो भी दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि हमने इतना मोबिलाइज किया है, हम अपने ट्रेनिंग एरियाज में हैं, और किसी वक्त भी चीन घात लगाने के लिए तैयार रहेगा अगर वो देखता है कि कहीं कमजोरी है। तो चीन के ऊपर विश्वास जो है वो नहीं किया जा सकता है, और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, गोगरा हो, चाहे देपसांग हो, हमने दबाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि चीन जो है, चीन ने बार बार पुराने जो पीस एंड ट्रैंक्वालिटी एग्रीमेंट्स हैं उनको बिल्कुल बेदरकार करके जिस तरीके से कार्रवाई की उसने मई 2020 गलवान में, और इस बार भी जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम बाकी जगह से भी डिसएंगेज होंगे, लेकिन जहां पर उनको सूट करता था उन्होंने वो तो डिसएंगेज हो गए। जहां उनको लगता है कि वो हम पे दबाव बनाए रख सकते हैं वहां बैठे हुए हैं। तो हमारा जो है बिल्कुल, हमने कोई शक नहीं होना चाहिए, चीन के ऊपर दबाव बनाए रखना चाहिए। और जिस तरीके से आप थिएटर्स कर रहे थे, जमीन आपको आश्चर्य, जो दो मिलिट्री रीजन होते थे पहले चीन में, अब वहां पे वेस्टर्न थिएटर हो गया, और जो वेस्टर्न थिएटर अंदर है वो सीधे शी के साथ लगाव में है, उनका डायरेक्ट संपर्क शी के साथ है, राष्ट्रपति के साथ है। तो जो कुछ भी यहाँ लद्दाख में हो रहा है उसकी पूरी अनुमति शी के द्वारा है, ये सोच करके बिल्कुल सही बात है, तभी ये मुमकिन हो पा रहा है, और तभी ये चीन की हिमाकतें जो है हमें नजर आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।